पुलिस का क्या, बस वही मारना शुरू कर देती है। चलिए आपको अरेस्ट करके पुलिस में ले जाते हैं, हमको पकड़ के ले जाने लगी। चलिए आप एजुकेशन में पैसा खर्चा करना चाहिए तो इन लोग दारू और अथी पकड़ने में रहते हैं। क्रिमिनल तो धराता नहीं है, शिक्षा व्यवस्था तो है नहीं। बस स्टूडेंट आए तो लाठी चलाइए। आइए, से पुलिस वाले समझते नहीं कि कभी हम भी स्टूडेंट रहेंगे, वो भी स्टूडेंट रही होंगे। जेंट्स कांस्टेबल जो है हम लोग को पकड़ लिया, बताइए ऐसे करके पकड़ते हैं जैसे हम लोग आतंकवादी है। हम लोग को रूल रेगुलेशन बताया जाता है, तो ये भी रूल है ना कि तीन साल में दिया जाए। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान के पास, जहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो मगध विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ये अभी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान का घेराव कर रहे थे, दीक्षांत समारोह में आए हुए थे राज्यपाल साहब। क्या कुछ मुद्दा था, किसको लेकर के आप घेराव करने के लिए आए थे, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? देखिए, हम लोग मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सारे। हम लोग का सर दो साल से रिजल्ट नहीं आया है, दो साल से। और बार बार हम लोग राज्यपाल के पास जाते हैं, शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, वो कहते हैं उसकी गलती, वो कहते हैं उसके। आखिर हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? बिहार में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जहाँ हम लोग जाएँ? अरे हम लोग के चांसलर मैम आप हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पे सचिवालय में, गवर्नर सचिवालय कोई मिलते नहीं है। वहाँ के जो है वो कहते हैं आ जाएगा आपका रिजल्ट, आ जाएगा साला। एक साल से आज हम लोग घूमते आ रहे हैं, एक साल से रिजल्ट ही आ रहा है, बताइए तो हम लोग कहाँ जाएं? आज यहाँ पे आए हुए घेराव किए तो क्या कुछ हुआ, पुलिस क्या कुछ की आपके साथ? पुलिस का क्या, बस वही मारना शुरू कर देती है। चलिए आपको अरेस्ट करके पुलिस में ले जाते हैं, हमको पकड़ के ले जाने लगी। चलिए आप, अरे कब तक जेल में बंद करके रखिएगा? बंद कीजिए ना जी, कितना को बंद कीजिएगा? स्टूडेंट जेल में सिर्फ स्टूडेंट जाता है और कोई नहीं। जाइए पकड़िए ना क्रिमिनल को, कुछ तो वही शिक्षा व्यवस्था तो है नहीं। बस स्टूडेंट आए तो लाठी चलाइए। आइए, से पुलिस वाले समझते नहीं कि कभी हम भी स्टूडेंट रहेंगे, वो भी स्टूडेंट रही होंगे। यही बिहार से पढ़ के, यही यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप लोग आए हैं, आप लोग को समझना चाहिए। लेकिन ये लोग तो गजब करने लगते हैं हम लोग पे, मतलब आम आदमी पे। पुलिस का व्यवहार बहुत दुर्व्यवहार है, यही आप लोग दिखाइए क्रिमिनल पर, नहीं कर पाते हैं। क्या क्या कह रहे थे उन लोग? जो है सो स्टूडेंट थोड़ा सा तो घूस दे करके पैसा पर सब भर्ती हो गए हैं, तबे ना स्टूडेंट के दर्द नहीं समझते हैं। अच्छा। जहाँ एजुकेशन में पैसा खर्चा करना चाहिए तो इन लोग दारू और अथी पकड़ने में रहते हैं। क्रिमिनल तो धराता नहीं है, एक दिन जिसको पेट भरल है उसको खाना दे रहा है, और जब भूखा सो रहा है रोड पर उसको और भूखे छोड़ दे रहे हैं। आप लोग छात्र हैं यहाँ पर, पीछे देखिए वहाँ देखिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो रहा है। अरे हम लोग है कि अपना जो तीन साल का डिग्री के लिए हम लोग यहाँ पे जो है जेंट्स ये से कांस्टेबल से हम लोग जो है मार खा रहे हैं। यहाँ पे जब हम लोग राज्यपाल से मिलने के लिए आए तो जो है हम लोग को जो है जेंट्स कांस्टेबल जो है हम लोग को पकड़ लिया, बताइए ऐसे करके पकड़ते हैं जैसे हम लोग आतंकवादी है। हम लोग को रूल रेगुलेशन बताया जाता है, तो ये भी रूल है ना कि तीन साल का डिग्री जो तीन साल में दिया जाए, सात साल होने को है। हम लोग कितना बार हम लोग रोड पे उतरेंगे? साल भर से हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब हम लोग कुछ करते हैं तब जो है मगध विश्वविद्यालय में कंट्रोलर को जो है हटा दिया जाता है, बीसी को हटा दिया जाता है, सबको टेम्पोररी लेकर बैठा दिया जाता है। जब कुछ दबाव बनाते तब तो टेम्पोररी जो है कहीं से उठा कर बैठा दिया जाता है। लेकिन हम लोग का मुद्दा जो है जस का तस पड़ा हुआ है, हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। मगध विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं सबसे बस रिक्वेस्ट है कि 15 तारीख तक अगर रिजल्ट नहीं आता है पार्ट टू और पार्ट वन का, तो आप लोग जो है पटना में राजभवन मार्च के लिए तैयार रहिए। 15 से 20 के बीच जो है हम लोग राजभवन मार्च करेंगे, आप लोग तैयार रहिए। बहुत हुआ जुमलाबाजी। मुझे देखिए, मेरे 7 साल हो गया, 16-19 का भी बच्चा फंसा, 17-20 का भी बच्चा फंसा, 18-21-19-22-20-23 सब जो सारे सेशन डिले है, और 6 महीने 2 महीने नहीं 7-7 साल जो हो गया, 3 साल का डिग्री नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो बस बिहार सरकार से यही कहना है कि 50,000 जो आप जो बेटी को दे रहे हैं ग्रेजुएशन होने पर, वो मुझे नहीं चाहिए, मेरा डिग्री मुझे दिलवा दीजिए सर। बहुत बड़ा जो है आपका मेरे ऊपर यही एहसान होगा। क्या क्या यहाँ पे हो रहा था और क्या कुछ हुआ आपके साथ? पहली बात तो जब हम लोग अपना मांग रखने जाते हैं, गवर्नर से मिलने जाते हैं, तो इनका सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। हम लोग क्या गन लेके आए हैं? क्या है हम लोग के पास? यही होता ना तो आज छोड़ते नहीं है कुछ। हम लोग लाचार बच्चे हैं यहाँ के, इसलिए हम लोग ऐसे बर्बाद हो रहे हैं और लाठी खा रहे हैं। फीमेल्स को जेंट्स कॉन्स्टेबल धक्का मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, यही हो रहा है। ये रूल नहीं है कि लेडीज कांस्टेबल लेडीज से लेडीज कांस्टेबल डील करेगी, ये रूल नहीं है। ये रूल नहीं है कि 3 साल का डिग्री 3 साल में मिलना चाहिए। क्यों यूजीसी जैसा ये लोग ये खोल के रखे? बंद करवा दे यूजीसी। यूजीसी का कोई रूल तो मान नहीं रहे, या बिहार सरकार बोल दे कि हम यूजीसी को नहीं मानते, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मानेगी उसको। गवर्नर को 3 बार हम लोग मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे दीक्षांत समारोह में आए हैं, 3 बार आए हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम है। उनको सर्व से मर जाना चाहिए कि एक बच्चे को आप डिग्री नहीं, गोल्ड डिग्री नहीं दे रहे हैं और दूसरे को गोल्ड मेडल पहना रहे हैं, कैसा शिक्षा व्यवस्था है आपका? उनको तो इतना सर बनना चाहिए नहीं कि उनको रिजाइन क्या, उनको मर जाना चाहिए यहाँ पे, सर बनना चाहिए सर। पता नहीं उनको नींद कैसे आता है, खाना कैसे खाते हैं वो, कि एक बच्चा यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे सब रो रहे हैं और अंदर में जाके आप गोल्ड मेडल पहना रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, यही आपका काम बच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, वो
मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इनका लगातार सेशन लेट हो रहा है। कई छात्र कह रहे हैं कि 7 साल हो गए हैं, लेकिन हमें 3 साल का डिग्री 7 साल में भी नहीं मिला है। ऐसे में हमारा भविष्य अधर में लटक रहा है, कोई हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर अभी राज्यपाल का घेराव करने के लिए आए थे, क्योंकि तमाम जो बिहार की यूनिवर्सिटी हैं, देश की यूनिवर्सिटी हैं, उनके जो सर्वे सर्वा हैं वो राज्यपाल होते हैं। राज्य के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंतर्गत आने वाले तमाम जो शिक्षा व्यवस्था है उच्च स्तरीय का राज्यपाल के अंतर्गत आता है। ऐसे में उन पर लगातार देखिए सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन राज्यपाल साहब उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपको पता ही होगा।